कैसे करते हैं? बताओ बताओ, पहले ब्रिज में जाएंगे। ब्रिज ब्रिज काहे का ब्रिज? मैंने जिसको आता पता बताया, मैंने बोला हम मदनी की जाएंगे। तो नए नए फोन है साथ में, तो नमस्कार। तो UK09 गढ़वाल में आपका स्वागत है। आज हम टिपरी रोपवे जाने वाले थे, लेकिन प्लान कहीं दूसरी जगह का बन गया है और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पीपल डाली के पूल में, ये देख सकते हैं आप। और हम मेरे साथ है काना, हेलो गाइस, और सानू, हेलो सानू है मेरे साथ, और दो अभी और हैं, ये पीछे फोटो शूट हो रहा है इनका। हेलो कर दो एक बार, हेलो संजू, तो भी नहीं गया वो। संजू बाबा, और आप नाम बताओ ना, अपने नाम बताओ, नाम बताओ ना, क्या नाम हुआ आपका? गीतू, गीतू, हाँ गीतू नाम है। क्या नाम होगा साथ में लाएंगे, क्या नाम पता, क्या नाम होगा। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं आगे की तरफ और पिपलडारी का पूल का दृश्य दिखाते हैं आपको, हम जा रहे हैं वहीं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सब लोग अपना अपना दिमाग दौड़ाते हुए कि यहाँ से नहीं वहाँ से चलेंगे। भाई इस शहरी लड़की को देखो चलने में देखो बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है भयंकर। और ये आगे की तरफ चलते हुए सारे लोग घास वाले भाई साहब, घास वाले भाई साहब पूछ रहे कि कहाँ जाना तुम घूमन, मतलब कहाँ जा रहे हो तुम घूमने के लिए, ऐसे बोल। ये सानू बता रहे कि ये हमारा घर है, इधर सामने बिल्कुल यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा धुंध है इसके वजह से दिखाई नहीं दे रहा। बाकी भाई आराम से, ऐसा ना हो किसी तो नीचे झील पे। पीपल डाली के करीब हम तो दोस्तों फाइनली हम पीपल डाली के पूल में पहुंच चुके हैं, और अब दिखाते हैं आगे का नज़ारा आपको। सारे लोग आगे की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है। गाइस फोटो शूट हो रही है यहाँ पर, गाइस थोड़ा हवा भी चल रही है और फोटो शूट भी हो रही है दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं पीपल डाली के पुल में और यहाँ पे चल रही है फोटो शूट, और सानू बैठ चुकी है। थक गए क्या? पिघले पिघले कौन ले रहा अभी भाई, क्या फोटोग्राफर है भयंकर। क्या कर रहा है भाई, कहाँ ये नीचे? हाँ काफ़ी बड़ी खाई है, बस एक ही इंसान जा सकता हूँ जिसके अंदर हिम्मत होगी। यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे होता नहीं, दोनों नदियाँ मिक्स अप हैं, ये भागीरथी और भंगना है। अच्छा, और ये पुल जोड़ता है पिपरडारी और खांड को, जो कि रजाखेत होते हुए जाता है। ओ पीपल डाली और मदनेगी, और कहाँ कहाँ जोड़ता है, इतने सारे गांव को जोड़ता है ये पुल। रजाखेत, म्योंडा, खांड, भाई सारे गांव के नाम पता है इनका, तो सारे गांव के नाम पता है। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे थे आप बताओ जरा, एक झलक नीचे। ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप भयंकर बिल्कुल ही खतरनाक दृश्य। और ये बंदर यहाँ पर, संजू भाई क्या कहना चाहोगे? कितना डर लग रहा है अपना फोन निकालने की हिम्मत भी नहीं, नीचे नहीं। कितने फीट नीचे होगा यार ये? होगा कम से कम, मतलब सरकार को धोखा हो जाएगा। आपके हिसाब से कितना होगा ये? कम से कम 100 फीट, 100 फीट है, 100 फीट से ज्यादा, 200 फीट, 250 300 फीट ऊंचा ये पुल है यहाँ पर। हाँ क्या दिखाना चाहेंगे? खैट कहाँ पे? ये खैट पर्वत,
यहाँ पर हेड पर था, उसके आगे का पहाड़ी जो है वो है थात गांव। भाई इनको सारा सब कुछ पता है, तो भाई आप ये सारी मतलब बताएंगे यहाँ के बारे में, कौन सा गांव कहाँ है सब बताएंगे। थात गांव है जहाँ से हमें खैड पर्वत के लिए होते हुए जाना पड़ता है। ये बढ़िया है। तो दोस्तों आपको मिल रही है सारी जानकारी, बने रहे हैं सारी वीडियो में, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, लोग फोटोशूट भी कर रहे हैं और कुछ बता भी रहे हैं। और शानू को देखिए किस तरीके से फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग तरीका है फ़ोटोशूट करने का। फ़ोन दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है ताकि नीचे ना गिरे, क्योंकि परसों ही लाए हैं। तो यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी है और हम होते हो जाते हैं। बात इस पुल की ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है, यहाँ पे गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती है क्योंकि ये छोटा पुल है। और इतनी दोस्तों ये पुल के आजू बाजू चल रहे हैं और बढ़िया ढंग से यहाँ पर। तो दोस्तों थोड़ी कुछ देर बाद यहाँ पे सनसेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पीपल डाली पुल का दृश्य कुछ इस तरह है। दोस्तों यहाँ पे गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही है। दोस्तों तो ये आ चुकी है यहाँ पर गाड़ी, वो यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है। जानकारी देना चाहेंगे गीता यहाँ पे, क्या जानकारी? थोड़ा सा शर्मा रहे लेकिन अब बोलना चाहेंगे, जरा फेस इधर करेंगे अपना और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हम क्या फेस इधर करेंगे लेकिन दिखाएंगे हम इधर को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी खतरनाक पहाड़ी है यहाँ नीचे। चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको, इन्होंने कहा है एक देख सकते हैं आप। और दोस्तों आगे आपको अमेजिंग चीज़ें बता देंगे, तो चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए ये किस तरीके से बैठ गए थक हार के, ये देखिए किस तरीके से बैठ रखे हैं यहाँ पर लाइन से। संजू भाई ने अभी एक रेस लगाई थी, उस समय हम बहुत पीछे थे और गाड़ी आ रही थी, इस वजह से हम संजू भाई की वीडियो बना पाए। दे दे बाबा। और संजू काफ़ी हैंडसम लगते हुए आज शर्मा गया। काना क्या मांग रहा भीख? काना क्या मांग रहा भीख? बाबा इसको भीख, एक भीख। अब हम कहाँ है? देखो 100 रुपए में। दोस्तों जाखणदार प्रताप नगर ब्लॉग में हम पुल क्रॉस कर चुके हैं, एंटर होते हुए पहुंच चुके हैं। आप ही देख सकते हैं कितनी बिजी है। तो दोस्तों यहाँ का दृश्य कुछ इस तरह दिख रहा है। फोटो खींच रहे हैं सारे लोग और मैं दिखा दूं तब तक आपको टीवी सील का नजारा। यहां पे खड़े हुई हम आपकी एक पुल के साथ फोटो लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा पीपल डाली का पुल, यहां से एकदम जो है दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पीपल डाली का पुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं, थक लग गई है सबको। संजू बाहर वो देख रहे हैं, उनके फ़ोन का जो है फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, तो यूट्यूब देखने पे लगे हुए। तो दिखाते हैं आपको टिहरी झील का व्यू, ये कुछ इस तरह है। हार भाई चुकी। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ गया है और अभी देखते हैं आगे हम किस तरफ जाएंगे। गाइस देखो यहाँ पे देखो फोटोग्राफिंग चल रही है, और ये देखो यहाँ फोटो के अलावा आता ही नहीं कुछ। इधर से आ रही फोटो, इधर आओ देखो। तब तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, तो देखो। तो गाइस देखो कितना अच्छा व्यू है और अच्छा भी है। ऊपर डाली का पुल और इनके बातें चलती रहती है बस।
गाइस हम फोटो खींच जा रहे हैं। तो देखो ये हमारी टीम है, देखो अरे इसकी दौड़ का है। अरे संजू बाबा फोटो पे मैसेज पढ़ते हुए और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसका जूता गल गया है। इसने पहाड़ नहीं देखा उसको हम दिखाएंगे पहाड़ इसे कहते हैं। अब फालतू की जो वीडियोस बनाते हैं उन्हें बताना चाहेंगे ये पहाड़ होता है और इनमें चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर हिम्मत है तो चढ़ के दिखाओ, हिम्मत है तो चढ़ के दिखाओ, वरना फालतू को ना बोला जाता है हम पहाड़ी है। पहाड़ी हम पहाड़ी है, पहाड़ी है बंदे हैं। ये देखिए गाइस इस पहाड़ी बंदे पे डांस हो रहा है और ये रहा पीपल डाली। दोस्तों हम पीपल डाली से थोड़ा आगे आ चुके हैं और ये रहा कुछ इस तरह पीपल डाली का पुल का व्यू। दिख नहीं रहा क्या दोस्तों? थोड़ा दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है मेरे ख्याल से। और दिखाते हैं अभी आपको पीपल डाली का पुल और हम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों पीपल डाली का पुल का दृश्य कुछ इस तरह है, काफ़ी सुंदर दिखता है यहाँ से दोस्तों। पहाड़ और बादल, हरे भरे जंगल और सबसे आकर्षक झील। तो दोस्तों ये इतने दूर आ चुके हैं और मैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ बता रहा था और ये देखिए किस तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं, काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम टॉप व्यू में, टॉप व्यू का यहाँ इस तरह से नज़ारा है। ओ भाई इतनी गहरी खाई, इतनी भयंकर गहरी खाई, यहाँ से तो दिखने में चक्कर लग रहा है सीधे। हेलो दोस्तों, तो हम जाने वाले हैं वापस सेल्फी पॉइंट, तो सेल्फी पॉइंट का नज़ारा दिखाते हैं आपको। और भाई बीच सड़क में हैं हम और गाड़ी यहाँ से तेज़ी से आती है, देख सकते हैं यहाँ क्या चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है। ऐसा लगता है इनके ब्रेक फेल हो गई। अभी मैं